So, good afternoon to all. So, is my screen visible? Is my screen visible? Yes, sir. Thank you, Riya. And once again, good afternoon to all. ROC also responded. So today we will start chapter number one in history. आज से chapter one history का उसे समझना हम लोग शुरू करेंगे. History में चैप्टर नंबर वन है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो जैसा कि मैं हर बार करता हूं शुरू में, मेरा यह प्रयास होता है कि स्टूडेंट्स सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही समझें. तो इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें जो वर्ड है जिसका मीनिंग जानना है वह तीन शब्द है राइज, और आप लोग फैमिलियर हो, ठीक है, यू आर फैमिलियर विद द वर्ड राइज एंड यूरोप. राइज हिंदी शब्द होता है उदय, उदय, ठीक है, या बढ़ना. और एक शब्द यहां पर है यूरोप. तो यू ऑल पीपल नो व्हाट इज यूरोप. यूरोप इज अ कंटिनेंट, यूरोप इज अ कंटिनेंट. तो एक शब्द है राइज, उदय, यूरोप, महाद्वीप या महादेश जो बोलो, अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिनेंट. और एक शब्द है बीच में, वह है नेशनलिज्म. नेशनलिज्म, यह जो नेशनलिज्म शब्द है इसका उपयोग तुम लोगों ने कई बार किया है अपने स्पीचेस में, अपने आंसर में. तो नेशनलिज्म है क्या, वो थोड़ा बहुत समझ जरूर है. अब बात हुई इसकी डेफिनेशन की, नेशनलिज्म का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, या एक वाक्य में नेशनलिज्म को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, समझाएंगे कैसे. तो देखो, नेशनलिज्म अगर वर्ड तोड़ोगे तो एक शब्द है नेशनल और इज्म. स्टैंडर्ड 9 में भी मैंने कई बार बोला आपको, इज्म, इज्म का मतलब होता है विचार. इज्म इसका मतलब होता है विचार, सोच, आइडिया. जैसे गांधीजी में, गांधी जी की सोच, गांधी जी का व्यू, ठीक है, नाजीज्म, नाजियों की सोच. अब यहां है नेशनलिज्म, नेशनल, राष्ट्र का, देश का. इज्म सोच, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म देश का सोच, राष्ट्र के लिए सोच. और कैसा सोच, पॉजिटिव. हम जहां रह रहे हैं, जहां से हमारा बिलोंगिंगनेस है, जिस राष्ट्र से, जिस देश से हमारा बिलोंगिंगनेस है, उसके प्रति सकारात्मक सोच कि वह देश तरक्की करे, वह देश दुनिया का नंबर वन देश हो, पॉजिटिव इंडेक्सेस में, नेगेटिव में एकदम पीछे हो, नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच, राष्ट्र की उन्नति का सोच, नेशनलिज्म. तो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्र
को लेकर सोच का उदय। ध्यान देना, राइज का हिंदी शब्द हो जाएगा उदय, नेशनलिज्म इसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रवाद, यूरोप, यूरोप तो कंटिनेंट का नाम है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यहां एक बात समझाता चलूं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद, ये मॉडर्न एरा का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह बहुत से पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स का मानना है कि पहले राष्ट्र नहीं होता था, राज्य होता था जिसका संबंध राजा से होता था, कि राजा का कितने एरिया में, कितने भूभाग में रूल है। लेकिन अब राष्ट्र के रूप में आपको व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगे। अब पहले राजा वाला सिस्टम था, और कई बार तो होता था किसी एरिया का कोई राजा हुआ तब तक दूसरा उसे हरा देता था या उसके क्लच से बाहर हो जाता था, फिर वो एरिया किसी और राजा के अधीन हो गया। तो ऐसे स्कॉलर्स का मानना है कि पहले लोगों में भूभाग को लेकर के, जमीन के उस हिस्से जहां उसका लालन पालन हुआ, राजनीतिक दृष्टि से कोई स्ट्रॉन्ग भावना, एकत्रित भावना नहीं होती थी, यूनाइटेड फीलिंग, ऐसा बहुत से स्कॉलर्स बोलते हैं। इस चैप्टर में भी आपको यह बताने का प्रयास है कि मॉडर्न टाइम में किस तरह से यूरोप के लोगों में यह भावना आई कि यह मेरा देश है, यह मेरा देश है, यह भावना लोगों में कैसे आई, वह बताने का, समझाने का प्रयास इस चैप्टर ने किया है। देखते हैं आगे क्या क्या बातें आती हैं। तो देखो, सबसे पहले जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो सबसे पहले एक फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया हूं, जस्ट अ मिनट। तो यह फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, फोटोग्राफ है और फोटोग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस फोटोग्राफ को, इस फोटोग्राफ के विषय में क्या क्या बताया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ। तो देखो, सबसे पहली बात जो जानना है, ठीक है, इसको नेमिंग किया है फिगर वन, फिगर वन, यह पहला फिगर है इस चैप्टर का, तो पहला फिगर ये है ही, ठीक है, फर्स्ट फिगर, फिगर वन मतलब एनसीईआरटी बुक या चैप्टर में फिगर वन, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब इस जो ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग का या फिर प्रिंट बोलो, अगर छाप करके निकला है तो प्रिंट हुआ, तो यह जो पेंटिंग है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एक सपना देखा जा रहा है, ठीक है, सपना देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होगा। इसका मतलब जो पेंटर है, जो पेंटिंग बना रहा है, वह एक सोच के साथ यह पेंटिंग बना रहा है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक होगा। द पैक्ट बिटवीन नेशन, ठीक है, ये इसका नाम में जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन यूनियन, ठीक है, सॉरी, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, राष्ट्रों के बीच का समझौता, संधि, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरे 1848, ध्यान देना, यह जो प्रिंट है इसको तैयार किया फ्रेडरिक सोरे ने, जो प्रिंट है छपा हुआ शुरू शुरू में, चैप्टर के शुरू में, यह प्रिंट प्रिपेयर करने वाले का नाम है फ्रेडरिक सोरे, 1848 में, 1848 में फ्रेडरिक सोरे ने इस प्रिंट को तैयार किया। इन 1848
फ्रेडरिक सोरे अ फ्रेंच आर्टिस्ट? तो पहला क्वेश्चन उठता है कि फ्रेडरिक सोरे कौन? तो फ्रेडरिक सोरे फ्रेंच आर्टिस्ट थे। फ्रेडरिक सोरे फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन 1848 फ्रेडरिक सोरे अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स। उन्होंने चार प्रिंट का एक सीरीज बनाया। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो उन्होंने जो प्रिंट तैयार किया, नाम उन्होंने रखा, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी, फिगर वन लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ। तो अपने पेंटिंग में उन्होंने अपने ड्रीम को, ठीक है, हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड, दुनिया को लेकर के जो उनकी सोच थी, जो उनका स्वप्न था, उसको उन्होंने सामने रखा। मुख्य बात उसमें यह थी कि वो स्वप्न देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा वो सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिक हो, सोशल रिपब्लिक। द फर्स्ट प्रिंट फिगर वन ऑफ द सीरीज शोज द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। यह पहला प्रिंट है। फिगर वन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आपकी किताब में भी है आपके सामने, यह प्रिंट, यह पहला प्रिंट है उन चार प्रिंट्स का। ठीक है, उन्होंने फोर प्रिंट्स बनाया, सीरीज बनाया उन्होंने। तो जो फर्स्ट प्रिंट है, अब क्या कर पैराग्राफ में इस फिगर को, इस प्रिंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो दिखाया गया है प्रिंट में, फोटो में, कि यूरोप और अमेरिका के महिला पुरुष हर एक उम्र के, हर एक क्लास के, एक लंबे ट्रेन में मार्च कर रहे हैं एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आप फोटो देखो, ठीक है, तो पिक्चर में यह दिखाया गया है दे आर मार्चिंग, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ये पास कर रहे हैं। ये देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये दिखाया गया फोटो बना करके, और ये देखो महिला पुरुष, ये अमेरिका और यूरोप के महिला पुरुष हर एक उम्र के, हर एक क्लास के, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, सब देखो कितनी लंबी चेन है। ठीक है, अब तो यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये देखो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ अब ये खत्म हो गया, अभी आसमान है ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, आसमानी दृश्य है। तो प्रिंट में यह दिखाया गया कि अमेरिका और यूरोप के लोग इकट्ठा है अपने अपने देश का झंडा लेकर के, ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी झंडा लेकर के, जैसे कैसे मार्च पास्ट होता है, दे आर मार्चिंग। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other. On the earth, in the foreground of the image lie the shattered, ध्यान देना, shattered remains of the symbols of absolutist institution. तो लोग जो है अपना देश का झंडा लिए मार्च कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, अब इसी पिक्चर में आप देखो तो पिक्चर का निचला हिस्सा देखो, आपको ये टूटा फूटा चीज मिल रहा है। ये टूटा फूटा चीज गौर करके देखो, ये देखो, ये लगेगा कि राजा का मुकुट है। ठीक है, ये लगेगा मुकुट है। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, राजतंत्र का प्रतीक चिन्ह है, एब्सोल्यूटिस्ट व्यवस्था का। पेंटर क्या कर रहा है, पेंटर सपना देख रहा है डेमोक्रेसी हो, और जब सपना देख रहा है उस समय
दुनिया के अधिकतर देशों में राजतंत्र था, राजतंत्र। लेकिन ये स्वप्न देख रहा है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो जाए और रिपब्लिक हो जाए। डेमोक्रेसी तो छोड़िए, रिपब्लिक, राजतंत्र बिल्कुल खत्म। ये डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का क्या फर्क है, आप लोगों ने निचली क्लासेस में जाना होगा। तो जो पेंटर है वो ये स्वप्न देख रहा है, अपने इमेजिंग कर रहा है और इमेज बना रहा है। तो उस इमेज में नीचे में बिखरा पड़ा है एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का सिंबल्स, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब जो शासन में है वो एब्सोल्यूट है, हर एक निर्णय वो ले सकता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, सबका काम बटा हुआ है। राजतंत्र में क्या होता, राजतंत्र में राजा ही फाइनल डिसीजन लेता किसको क्या सजा दी जाए, ठीक है, या जहां डिक्टेटरशिप है या दूसरी और व्यवस्था है एब्सोल्यूटिस्ट का, वहां जो सर्वे सर्वा है वो सब निर्णय ले सकता है, ठीक है, कोई भी बड़ा निर्णय उससे, ठीक है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं होता है। तो ध्यान देना, पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, पहला बात बोला कि अमेरिका यूरोप के लोग राष्ट्र के रूप में इकट्ठे हैं, अपने देश का ध्वज लेकर के मार्च कर रहे हैं। उसके बाद फोटोग्राफ का जो निचला हिस्सा है उसमें एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स बिखरे पड़े हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी आएगा तो राजतंत्र का कोई जगह नहीं, बिखर जाएगा। इन सोरे से यूटोपियन विजन, अब इसको ध्यान देना, सोरे का जो यह विजन है, जो ये सोच है, उसको यूटोपियन बोला गया, यूटोपियन। अच्छा, यूटोपियन विजन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दीवा सपना, ठीक है। अब जैसे मान लो सपना देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, टीचर है साधारण, लेकिन सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाए अगला साल, तो अगले साल प्रधानमंत्री बन जाए, राजनीति का, समाज का कुछ काम करेंगे तब ना। और अगले साल कैसे, मोदी जी का फुल मेजोरिटी वाली सरकार है, ठीक है, तो स्वप्न 2024 का देखे तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगले साल, तो एकदम ऐसा सोच सोचना, ठीक है, जो ग्राउंड पे दिखे नहीं, दीवा स्वप्न, यूटोपियन विजन। तो जब पेंटिंग बना रहा है 1848 में, दुनिया के अधिकतर हिस्सों में राजतंत्र थी, राजतंत्र था, तो वैसे में ये स्वप्न देख रहा है कि डेमोक्रेसी आ जाए, रिपब्लिक आ जाए। अच्छा, बहुत सारे जगह तो गुलाम थे, जैसे हमारा देश, हम भी अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है, और हम थे तो हम ही में जुड़ा हुआ था पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अंग्रेजों का उसमें एक बड़े भूभाग पर कब्जा था पूरी दुनिया का। तो सोरे का जो ये विजन है डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक सोसाइटी का, उसको बोला गया यूटोपियन विजन, एक ऐसी सोच जो एक्चुअली धरती पर, ग्राउंड पर दिखे नहीं, होता हुआ दिखे नहीं, ठीक है। हालांकि हो गया, वो अलग बात है, ठीक है, बहुत सारी बातें जो हम लोग सोचते हैं एक समय के बाद हो रहा होता है। रामायण में जो अस्त्र दिखाया गया, पहले लोग बोलता था कि ये सब झूठ है, लेकिन आज के रेट में देखो, सेम टाइम ऑफ वेपन्स आर कमिंग, बिल्कुल वैसा ही, एक इधर से मिसाइल छोड़ा, दूसरा उधर से छोड़ा, टकरा के आसमान में खत्म, एकदम रामायण के वो उन तीरों की तरह कि रावण ने तीर छोड़ा, राम जी तीर छोड़े, टकरा करके रावण का तीर खत्म। तो लेकिन आज से 100 साल पहले लोग सोचता था अरे चमत्कार, लेकिन साइंस देखो आज के रेट में हो रहा है। तो एक टाइम में कभी कभी यूटोपियन विजन एक समय बाद ग्राउंड पर होता है, खैर, लेकिन जब ये पिक्चर बना रहा था वो, उस समय ये जो सोच दे रहा था वो यूटोपियन विजन था, क्योंकि प्रैक्टिकली में ये ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिख रहा था कि ऐसा होगा। नाउ तो यहां देखो, यूटोपियन को समझाया भी है न्यू वर्ड्स में, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। आगे पढ़ते हैं, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम। ये जो लाइन में चल रहे हैं,
लाइन में अपने अपने देश का ध्वज उठा करके जो चल रहे हैं वन आफ्टर अनदर एक के पीछे, तो ये लोग पहचान में कैसे आ रहे हैं? ये पहचान में आ रहे हैं अपने ध्वज के कारण। अच्छा, ऐसा झंडा है, ठीक है, फ्रांस वाला, ऐसा झंडा वो जर्मनी वाला, ऐसा अच्छा ये तो अमेरिका का झंडा है। तो जो लोग हैं पहचान में कैसे आ रहे हैं? आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, जो उनका परिधान है, राष्ट्रीय परिधान। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इससे दो देशों के लोग गुजर गए, आगे बढ़ गए। क्यों? वहां नेशन स्टेट बन गया था, और वे दो स्टेट हैं, दो स्टेट मतलब देश, ठीक है, तो वो दो स्टेट हैं या कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, विच बाई दिस टाइम वे आर ऑलरेडी नेशन स्टेट। ये जो दो देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, उस समय तक, फोटो बनते समय तक 1848, एक नेशन स्टेट बन चुके थे, राष्ट्र बन चुके थे। अमेरिका में अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका था, ठीक है, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड उस समय जैसे आज के रेट में है लगभग उससे पोल ले चुके थे। अगला नाम आ रहा है फ्रांस, ठीक है। नाउ फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू, स्टैच्यू के पास अभी पहुंचा है। कौन? फ्रांस। कैसे पता चला? झंडा से, रिवोल्यूशनरी झंडा। सी इज फॉलोड बाय द पीपुल ऑफ जर्मनी, और फ्रांस के पीछे जर्मनी वाले, झंडा ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरे क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपुल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है, और इसी के साथ ये यूटोपियन विजन है, क्योंकि फ्रेडरिक सोरी ने जर्मनी दिखा दिया, लेकिन 1848 में जर्मनी नामक कोई जगह था ही नहीं, जर्मनी करके जगह नहीं था, सोच में जरूर था कुछ लोगों के, ठीक है, वे राज्यों में बटे हुए थे, और सबसे मजबूत राज्य उस एरिया का था प्रशिया, अंग्रेजी में प्रुसिया, PRUSSIA, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम लोग, तो वही बोल रहा है। इंटरेस्टिंगली, मजेदार बात यह है कि उस समय जर्मनी के लोग इकट्ठे नहीं हुए थे राष्ट्र के रूप में, वे राज्यों में बटे हुए थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इन टू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब जर्मन राष्ट्र नहीं था, झंडा कहां से आ गया? तो सोच उस समय कुछ लिबरल्स ये सोच दे रहे थे कि जितना जर्मनी बोलने वाला एरिया है सब एक हो जाने की जरूरत है। तो लिबरल्स के उन उम्मीदों के आधार पर ही फ्रेडरिक सोरे ने फ्रांस के पीछे जर्मनी को दिखाया है अपने पिक्चर में। नाउ फॉलोइंग द जर्मन पीपुल, और जर्मनी के वालों के बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवन, तो ये तीन हिस्सा हो गया, बीच का हिस्सा बताएं जहां लोग चल रहे हैं, नीचे का हिस्सा बताएं जहां राजतंत्र के चिन्ह बिखरे पड़े हैं कबाड़ी की तरह, कबाड़ की तरह, ठीक है, तो कूड़ा कचड़ा कैसे फेंका हुआ रहता है उस तरह से टूटा फूटा चीज। अब ऊपर, ठीक है, फोटोग्राफ का ऊपर हिस्सा, ऊपर में कौन है? ऊपर में फ्रॉम द हेवन, अबव, ऊपर हेवन में आप देखोगे क्राइस्ट है, फोटो देखने से लगेगा कि जीसस क्राइस्ट है, दूसरे संत हैं, एंजल हैं, तो ये जीसस क्राइस्ट क्यों है? जीसस क्राइस्ट इसलिए है क्योंकि फोटो बनाने वाला क्रिश्चियन, तो उसने अपने ईश्वर को दिखाया है। शायद अगर ब्रजेश कुमार बनाते फोटो
तो ऊपर दिखाते हैं भगवान को कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फोटोग्राफर क्रिश्चियन बैकग्राउंड में है, उसने क्रिश्चियन गॉड्स को दिखाया है, एंजल्स को दिखाया है। कहने का मतलब यह है फोटोग्राफ में, फोटोग्राफर यह बोलना चाहता है कि ऐसा जो दृश्य है कि लोग राष्ट्र के रूप में इकट्ठा रहे, उसको ईश्वर भी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो दृश्य है उसको ईश्वर, ये देखो, ये देखने से लगता है कि जैसे जीसस क्राइस्ट वगैरह, इस फोटो को देखा जाए, इमेज को, ये सब एंजल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहां से क्या हो रहा है, दे आर ब्लेसिंग, ये आसमान में ये लोग इस नजारे को देख करके आनंदित हो रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तो यही चाहता है कि दुनिया के लोग मिलजुल करके रहें। तो फोटोग्राफ में जो फोटोग्राफर है, पेंटर है या प्रिंट करने वाला फ्रेडरिक्स और उसने दिखाया कि फ्रॉम द हेवन, ऊपर हेवन में, आसमान में क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, वो नजारे को देख रहे हैं, ठीक है, वे आश्चर्यचकित है और देखा जाए तो वो एक आनंद की मुद्रा में भी है, ठीक है, वो गौर करके देख रहे हैं सीन को कि सब लोग इकट्ठे हैं राष्ट्र के रूप में, पीसफुल। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो ईश्वर को भी लाया गया, और जो दूसरी और बातें मुख्यतः जो यहाँ बात हो रही है हेवन में जो ईश्वर लोग हैं, क्राइस्ट सेंट्स वगैरह, तो ये सिंबलाइज करने के लिए बंधुत्व, जो पूरी दुनिया में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, ईश्वर तो सबका एक है। तो ये आपको समझाया गया पेंटिंग प्रिंट ऑफ फ्रेडरिक सोरे, जो चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है, दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरे इन फिगर वन। यह जो चैप्टर है, ठीक है, सोरे के जो विजुअलाइजेशन है उस पर बात होगी। सोरे ने क्या स्वप्न देखा, दुनिया में डेमोक्रेसी हो, चैप्टर में हम देखेंगे। सोरे ने स्वप्न देखा कि दुनिया में राष्ट्र राज हो, माने राष्ट्र हो, देश हो। हम चैप्टर में देखेंगे कैसे जर्मनी एक हुआ, देश बना, कैसे इटली एक हुआ, देश बना, कैसे ब्रिटेन जो है उसका अस्तित्व सामने आता है। तो इन चीजों को हम इस चैप्टर में समझेंगे, और जब इन बातों को हम देखेंगे तो एक तरह से सोरे का जो व्यू है उसको हम ग्राउंड पर होते हुए देखेंगे प्रैक्टिकली। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी मींस 1801 से लेकर के 1801 से लेकर के 1900 तक। तो ये जो 19th सेंचुरी है उसमें हम लोग ने देखा कि नेशनलिज्म ने दुनिया के मानचित्र को बदला। जहां दुनिया के मानचित्र पे था प्रूसिया, दूसरे राज्य, वहां आ गया जर्मनी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं पॉलिटिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर इन यूरोप। और रिजल्ट क्या है, नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य, राज्य इकट्ठा हुए राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में। और आप देशों के अंदर देखोगे, राष्ट्र के अंदर मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। तो जो यूरोप में, जैसे भारत में बहुत सारे वो राजा लोग थे, यूरोप में भी मल्टीनेशनल, मतलब आज के डेट में अगर बात करें 1800 में हैब्सबर्ग एम्पायर, आज के डेट में देखो तो उसका फैलाव जर्मनी, उसका आसपास का एरिया ऑस्ट्रिया वगैरह भी आ जाएगा उसमें। तो वही बोल रहा है कि जहां मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे उसके जगह हम राष्ट्र राज्यों को देखते हैं, वहां डेमोक्रेसी देखते हैं, वहां रिपब्लिक देखते हैं,
द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। ये जो कंसेप्ट है मॉडर्न स्टेट का, ये ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात हो गया, ये एक लंबी प्रक्रिया चली, ठीक है। और उस लॉन्ग पीरियड प्रोसेस का रिजल्ट है नेशन स्टेट। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। अगर देखेंगे तो नेशन स्टेट में, राष्ट्र राज्य में, सब लोग कुछ बातों पर सहमत दिखेंगे, एग्री दिखेंगे कि मेरा है वो इतिहास, एक कॉमन इतिहास को शेयर करेंगे, ठीक है, कॉमन हिस्ट्री। अब जैसे इंडिया का कंटेस्ट में देखो, हम लोग बिहार में, ठीक है, लेकिन फिर भी शिवाजी का जो विजय है, शिवाजी का जो राज्य है, उसको हम लोग अपना गौरव का प्रतीक समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि वो हमारी धरोहर है, हम उनके, ठीक है, वंशज हैं, हम उनकी विरासत जो आगे बढ़ रही है उसके हिस्से हैं। उसी तरह से बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, ये अनेकों नाम है बच्चों, ठीक है, एक दो नाम पढ़ाने वाला या किताब में लिखने वाला लिख पाता है, बोल पाता है, लाखों लाख ऐसे नाम हैं। केवल जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है अंग्रेजों के विरुद्ध, ऐसा कई बार कई जगह बोला और पढ़ा जाता है कि 7 लाख से ज्यादा कुर्बानियां हुई, तब जाकर के हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 का दिन देखा। तो बच्चों लाखों नाम है, ठीक है, बोलते समय 2-3 उदाहरण में हम लोग लेते हैं, पर लाखों नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म। सुभाष चंद्र बोस मॉडर्न टाइम में आ जाओ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लॉन्ग लिस्ट है। तो उसी तरह से यूरोप में, ठीक है, लोगों ने अपने राष्ट्र, अपने को राष्ट्र के रूप में देखा, एक हिस्ट्री को उन्होंने शेयर किया कि ये हमारा हिस्ट्री है, ये कॉमन हिस्ट्री है, ठीक है, हम इस हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इंडिया के संदर्भ में आपको समझाने के लिए। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। ये जो कॉमननेस है, ये स्ट्रगल से आया, ये कॉमन एक्शन से आया, ठीक है, कॉमन पीपल के द्वारा आया। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस, और इन्हीं बातों को हम इस चैप्टर में विस्तार से देखेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे 2-4 एग्जाम्पल्स, जर्मनी का एग्जाम्पल, इटली का एग्जाम्पल, ब्रिटेन का एग्जाम्पल, इसके जरिए हम समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद फीलिंग, मेरा देश है, कैसे आया। ओके, तो चैप्टर का नाम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। और आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पेज देखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन के पेजेस को हम लोगों ने देखा। नेशनलिज्म यूरोप कंटिनेंट है, राइज उदय, नेशनलिज्म का हिंदी हो गया राष्ट्रवाद, ठीक है। तो आज की पढ़ाई में इतना ही, कल हम लोग चैप्टर के तीसरे पेज से बढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर का 3rd पेज। इसका मतलब हो जाएगा, टॉपिक हमारे सामने होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। दिस विल बी द टॉपिक फ्रॉम विच वी विल मूव अहेड टुमारो। ओके, तो जितना आपको पढ़ाया गया है उसको देखोगे, समझोगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू टू बी विथ मी। 1 मिनट के करीब बच रहा है,
एनी क्वेश्चन? इफ नो देन राइट नो. चलो ठीक है, तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां आज छूटा है वहां से. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल.